हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो ऑफ टोटल इंग्लिश। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी के इंग्लिश बुक के चैप्टर 4 के बारे में, जिसका नाम है बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। तो सबसे पहले इस टाइटल को हम समझते हैं, बिपिन चौधरी की याददाश्त चली जाती है। तो याददाश्त जाना ये तो एक कॉमन सी बात है कि हम हर कुछ हल्का फुल्का भूलते रहते हैं आए दिन। जैसे कि सपोज हमने कोई काम किया और फिर कुछ दिनों के बाद जब हम याद करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमने उस काम को किया है या नहीं। सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग फॉर एवरीबॉडी। लेकिन आप बस सोचिए कि अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा ही भूल जाए तब कितना अजीब लगेगा। ज़िंदगी का हिस्सा भूल जाना मतलब टू फॉरगेट अ पार्ट ऑफ द लाइफ। बिपिन चौधरी कभी रांची गए थे या नहीं गए थे वो इस बात से कन्फ्यूज़ हैं, और एक स्ट्रेंजर, एक अनजान आदमी आकर उन्हें बताता है कि आप मेरे साथ रांची गए थे और इतने दिन बिताए थे। ये बात सुन के किसी को भी अजीब लगेगा कि वो इंसान बता रहा है लेकिन मुझे क्यों नहीं याद आ रहा है। सो ऐसा ही कुछ अजीबोगरीब ये स्टोरी है। सो स्टोरी में क्या होता है, दैट विल गेट टू नो व्हेन विल रीड द फुल स्टोरी। सो विदाउट एनी डिले लेट स्टार्ट दिस वीडियो। इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, चाहे वो ग्रामर हो, स्पोकन हो, या फिर लिटरेचर हो, या फिर एग्जाम से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ पाने के लिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो बुक में स्टोरी को चार पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो हम भी उसी प्रकार पार्ट बाई पार्ट इसके समरी को समझेंगे। सो लेट स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट। कहानी के शुरुआत में बिपिन चौधरी को दिखाया गया है कि दैट ही इज़ अ बुक लवर। उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, और वे किस प्रकार की कहानियाँ पसंद करते हैं पढ़ना, लाइक क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज, थ्रिलर्स। तो इस प्रकार की वो बुक को हमेशा पसंद करते हैं पढ़ना। और जब वो एक शॉप में, जिस शॉप का नाम है कालीचरण का शॉप है, वो कालीचरण बुक शॉप, वहाँ पर वो जाकर बुक जब ले रहे थे तभी उन्होंने देखा कि एक अनजान व्यक्ति उन पर बहुत देर से नज़र बनाए हुए था। तो वो उन्हें देख रहा था बस बार बार। तो बिपिन चौधरी उसके तरफ मुड़े और उससे पूछा कि क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं, आप मुझे इस प्रकार देख रहे हैं। तो उस इंसान ने कहा, बिल्कुल मिल चुके हैं, आपने तो बिल्कुल पूरा एक वीक मेरे साथ बिताया है, और मैंने आपके लिए कार अरेंज की थी जब आपको रांची के हुंडरू फॉल्स में जाना था। हुंडरू फॉल्स एक्चुअली रांची का एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जो कि एक वाटरफॉल है। तो बिपिन चौधरी के लिए उसने गाड़ी अरेंज की थी। सो और वो कहता है कब की थी, तो 1958 की ये बात है, और वो अनजान व्यक्ति अपना नाम बताता है, माई नेम इज़ परिमल घोष। तो उस व्यक्ति का नाम है परिमल घोष। तो ये सुनकर बिपिन चौधरी बिल्कुल शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, रांची, रांची तो मैं कभी नहीं गया, हो सकता है आपको कोई मिस्टेक हो रही है कि मैं तो रांची कभी गया ही नहीं। तो इसमें वो इंसान, ये सुनकर वो इंसान क्या कहता है, और वो हंसने लगता है और कहता है, नहीं नहीं मुझसे गलती नहीं हो रही है कि तो बिपिन चौधरी ने कहा, तो क्या आप मेरा नाम जानते हैं। तो उस इंसान ने, परिमल घोष ने बताया कि जी हाँ, आपका नाम बिपिन चौधरी है, आपको कौन नहीं जानता। तो हम लोग रांची गए थे। तो फिर उसने कहा कि अगर आपको अभी भी नहीं याद आ रही है, तो हुंडरू फॉल्स में आपके राइट नी पर, मतलब दाहिने घुटने पर एक चोट भी लगी थी। तो फिर मैंने आपके लिए आयोडीन अरेंज किया था ताकि आप ठीक हो सकें, और फिर नेतरहाट भी एक रांची में एक जगह का नाम है, वहाँ जाने के लिए मैंने आपको कहा, लेकिन आप नहीं जा पाए क्योंकि आपके घुटनों में दर्द था। तो आपको कुछ याद नहीं, इतनी सारी बातें वो बता रहे हैं। और तो और परिमल घोष ने यह भी कहा कि आप वहाँ पर मिस्टर दिनेश मुखर्जी के साथ एक बंगले पे रुके हुए थे, और आपने ये भी कहा कि आपको बाहर का खाना पसंद नहीं, सो आपने एक बावर्ची, मतलब एक खाना बनाने वाले रसोइये को रखवाया था। सो मिस्टर मुखर्जी वहाँ पर अपनी सिस्टर के साथ गए थे। तो इतनी सारी बातें परिमल घोष ने बता दी। तो इतनी सारी बातें कोई अनजान व्यक्ति तो नहीं बता सकता, ज़रूर उसे बिपिन बाबू के बारे में कुछ बात तो पता ही होगी। इस स्टोरी में बिपिन बाबू कह के कहा गया है, बंगालीज को यूजुअली बाबू के नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद उस इंसान ने और भी कुछ डिटेल्स बताया और कहा कि आप हमेशा अपने साथ एक बैग रखते हैं, कहीं भी आप जाते हैं तो एक बुक से भरे बैग को आप हमेशा कैरी करते हैं। तो फिर इस पर बिपिन चौधरी ने क्वेश्चन पूछा, अच्छा ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि मैं रांची गया तो आप बताइए कि 1958 में किस मंथ में मैं रांची गया। तो उसने बिना किसी हेजिटेशन के कहा कि
कि दैट यू वेंट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, आप अक्टूबर महीने में वहाँ पर गए थे। तो ये सुनकर बिपिन चौधरी बोलते हैं नहीं नहीं, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, क्योंकि अक्टूबर के समय जब पूजा होती है तो उस वक्त पूजा के समय मैं 1958 में अपने दोस्त के साथ कानपुर में था, तो हमने पूजा को सेलिब्रेट वहीं पर किया था। तो अब रहा बात कि बिपिन चौधरी तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि वो अपने दोस्त के साथ थे, लेकिन उस इंसान ने बहुत सारी डिटेल्स बताई जो कि कोई आम इंसान नहीं बता सकता है। और उसने और कहा कि आपने अपने फैमिली के बारे में भी बताया था कि आपकी वाइफ 10 साल पहले गुजर चुकी है और आपका कोई बच्चा नहीं है, और आपका जो भाई है वो इंसेन हो चुका था। इंसेन मतलब उसे ब्रेन में कुछ मेंटल डिजीज़ था, जो कि रांची में वो था। सो ये सब बातें आपने मुझे बताई थी। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट एंड होता है, आइए सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी के सेकंड पार्ट में बिपिन चौधरी जो है वो बहुत ही कंफ्यूज हो चुके रहते हैं, क्योंकि उनके माइंड में ये बात चल रही थी कि वो इंसान जिसने कि इतने सारे डिटेल्स दिए, क्या वो सही कह रहा था या नहीं कह रहा था। तो फिर उन्होंने अपने ड्राइवर को कहा कि गंगा नदी के साइड में आप गाड़ी को चलाते रहो, और वो सोच रहे थे वहाँ पर गाड़ी में बैठे बैठे। तब उन्होंने सोचा कि वो इंसान इतनी सारी डिटेल्स कैसे बता सकता है कि मेरे पास बुक्स होते हैं, मेरी वाइफ की डेथ हो चुकी है, मेरे भाई का पागलपन था, और इतनी सारी बातें वो कैसे बता सकते हैं। और लेकिन मुझे तो याद है कि अक्टूबर में मैं कानपुर में अपने फ्रेंड के साथ पूजा में सेलिब्रेट कर रहा था, और फ्रेंड का नाम है हरिदास बागची, तो हरिदास बागची के घर गया था। तो फिर बिपिन बाबू ने सोचा कि क्यों ना मैं हरिदास से ही ये कन्फर्म कर लूँ कि क्या मैं उसके साथ था या नहीं। तभी बिपिन चौधरी को ये बात याद आती है कि हरिदास अपनी वाइफ के साथ जापान जा चुके हैं, और वे अभी कहाँ रह रहे हैं उसका एड्रेस भी उन्हें नहीं पता है। सो लेटर लिखकर कैसे उनसे बात की जाए। तो ये प्लान तो फेल हो गया। तभी बिपिन चौधरी को एक बात याद आई कि उस अनजान इंसान मतलब कि परिमल घोष ने कहा था कि बिपिन चौधरी के राइट नी मतलब दाहिने घुटने में चोट का निशान होना चाहिए, क्योंकि वे हुंदरू फॉल में गिरे थे। तभी उन्होंने अपने ट्राउजर्स को ऊपर उठाया और चेक किया कि कहीं वो चोट का निशान है या नहीं, और सरप्राइज़ की बात यह है कि सच में वो चोट का निशान वहाँ पर मिल जाता है। और इससे बिपिन चौधरी और कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं याद है कि ये चोट उन्हें कब लगी। और ये एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल है कि किसी आदमी की याददाश्त जा रही है, कि अगर उसे कोई बात याद नहीं आ रही है। वो ये सोचते थे कि मैं एक अच्छा खासा रिस्पॉन्सिबल इंसान हूँ, अपने बड़े से कंपनी को मैं चलाता हूँ, सो मेरे ब्रेन तो अच्छा काम कर रहा है। लेकिन अब चोट की बात को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। तभी उन्होंने सोचा कि दिनेश मुखर्जी भी तो मेरे साथ वहाँ पर था उस आदमी के अनुसार, सो आई शुड टॉक टू दिनेश मुखर्जी एंड टू जस्ट टू गेट कन्फर्म दैट वेदर द न्यूज़ इज करेक्ट और इनकरेक्ट। लेकिन दिनेश मुखर्जी थे वे थोड़े सार्केस्टिक काइंड के इंसान थे, सार्केस्टिक मतलब जो थोड़ा ताना मारते हैं। तो अगर ऐसा होता कि दिनेश मुखर्जी की भी कह दें कि सच में वो रांची गए थे उनके साथ, तब वो बिपिन चौधरी का मजाक उड़ाएंगे कि तुम्हें ये बात भी याद नहीं, तो इस बात से वो थोड़ा मुकर रहे थे कि कॉल करूं या नहीं करूं। फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें फ़ोन करते हैं और फ़ोन करके ये इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो जब फ़ोन पे बात होती है तब बिपिन चौधरी पूछते हैं कि दिनेश से कि 1958 के बारे में मुझे बताइए कि क्या आप कहाँ कहाँ पर गए थे 1958 में। तब दिनेश मुखर्जी ने कहा वेट लेट मी फाइंड माई डायरी, उन्होंने डायरी में लिख के रखा है, मुझे उसमें देखने दीजिए। तो डायरी जब वो निकाले तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं दो बार बाहर गया था, पहला फरवरी में कृष्णा नगर में अपने निफ्यू की शादी में मैं गया था, और दूसरा आपके साथ में रांची गया था। और ये बात सुनते ही बिपिन चौधरी का जो शौक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उनके पास सैंडविचेस रखी होती हैं पर वो उस सैंडविच को नहीं खाते हैं क्योंकि उनकी भूख मर जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही टेंस थे। और यहाँ पर सेकंड पार्ट समाप्त होता है। सी द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या होता है कि बिपिन चौधरी अपने आप के बारे में सोचते रहते हैं कि उनकी मेमोरी तो बहुत अच्छी है, वो एक भी काम अपना नहीं भूलते हैं, और अपने कंपनी में वो कितने साल से काम कर रहे हैं, तो ऐसा उनके साथ कैसे हो सकता है। ये सब बातों को वो सोच ही रहे थे तब तक उनका सर्वेंट आता है एंड ही सेज दैट वन ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड दैट इज़ चुन्नी बाबू, हिज फुल नेम इज़ चुन्नी लाल, हैज़ कम। चुन्नी बाबू जो कि बिपिन बाबू के ओल्ड फ्रेंड है वो यहाँ पर आए हुए हैं। तो बिपिन बाबू समझ जाते हैं कि चुन्नी लाल उनके घर क्यों आते हैं,
क्योंकि चुन्नीलाल जो है उनका वक्त थोड़ा बुरा चल रहा है और उनके पास कोई जॉब नहीं है, तो वो जॉब के सिलसिले में विपिन चौधरी के पास हेल्प लेने के लिए आते हैं। सो विपिन चौधरी अपने सर्वेंट को बोल देते हैं, मना कर देते हैं कि वो अभी नहीं मिल सकते हैं, लेकिन तुरंत उन्हें याद आता है कि चुन्नीलाल से वो मदद ले सकते हैं, वो बता सकता है उन्हें कि 1958 में वो विपिन चौधरी रांची गए थे या नहीं। सो वो वहाँ पर तुरंत उतरते हैं नीचे और चुन्नीलाल से मिलते हैं और वो चुन्नीलाल से डिस्कशन अपना स्टार्ट कर देते हैं और पूछने लगते हैं कि आप बताइए कि कहीं मैं वहाँ गया तो नहीं रांची। तो चुन्नीलाल बिल्कुल सरप्राइज हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि बिल्कुल, आप क्या आप नशा कर रहे हैं या आपकी तबीयत ख़राब है, क्या तुम्हें बिल्कुल पता नहीं कि दैट यू वेंट टू रांची एंड आई वॉज द पर्सन हु अरेंज द टिकट फॉर यू, और मैं ही वो इंसान है जिसने आपके लिए टिकट अरेंज किया था, आप कैसे भूल सकते हैं, और आपके कंपार्टमेंट का फ़ैन भी नहीं चल रहा था तो मैंने ही इलेक्ट्रीशियन को वहाँ पर बुलवाया था, तो ये सब बातें आप कैसे भूल सकते हैं। तो ये चुन्नीलाल इस प्रकार कन्फर्म कर देते हैं कि विपिन चौधरी रांची गए थे। तो अब ये बात सुनकर उनकी तबीयत और बिगड़ने लगती है और चुन्नीलाल बोलते हैं कि विपिन चौधरी यू नीड सम काइंड ऑफ डॉक्टर फॉर योर मेंटल हेल्थ। सो मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए वो एक डॉक्टर का नाम बताते हैं जिसका नाम है परेश चंदा। तो परेश चंदा एक्चुअली एक फिजिशियन है। सो वो आकर वहाँ पर चेक करते हैं और बोलते हैं कि मैंने तो ऐसा केस पहले देखा था नहीं कि आपको बिल्कुल ही एक मेमोरी आपका एक हिस्सा ख़त्म हो जाए और आपको याद ही नहीं कि आपके साथ क्या हुआ, लेकिन मेरे पास एक तरकीब है जो आप ट्राई कर सकते हैं और इससे कोई नुकसान नहीं है। सो विपिन चौधरी बोलते हैं हाँ बिल्कुल बताइए। तो वो बताते हैं कि आप इस सब बातों को रिमाइंड करने के लिए, एक रिवाइज करने के लिए आप फिर से रांची जा सकते हैं। इससे क्या होगा, जो बातें आपने, जो समय आपने वहाँ बिताया, हो सकता है वो आपके माइंड में फ्लैश कर जाए और आपको सारी बातें याद आ जाए। तो इन बातों को सुनने के बाद विपिन चौधरी नेक्स्ट डे ही अपने टिकट बुकिंग कराते हैं रांची के लिए एंड देन स्टार्ट द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में ये होता है कि वो रांची पहुंच जाते हैं अगले दिन एंड ही जस्ट केम ऑन द स्टेशन। जब स्टेशन पहुंचते हैं तो देखते हैं कि यहाँ वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जो कि उन्हें पुरानी बातें याद दिला रहा है। फिर वो वहाँ के सड़कों पर गाड़ी से ड्राइव करते हैं, बिल्डिंग, होटल, बाज़ार, मोराबादी हिल, वहाँ की बहुत फेमस जगह है, ये सब जगहों पर जाते हैं। तो फिर वो सोचते हैं कि क्यों ना हुंद्रू फॉल जाया जाए। तो हुंद्रू फॉल के लिए भी वो जब निकल पड़ते हैं, दोपहर को वो हुंद्रू फॉल पहुंच जाते हैं और वहां पर भी जाकर उन्हें कुछ नहीं याद आता है कि ये सब जगह पे क्या हुआ था। बट व्हाट वाज फाउंड दैट विपिन बाबू वाज लाइंग अनकॉन्शियस, और वो वहीं पर जाके बेहोश हो जाते हैं। अगले दिन जब उनकी नींद खुलती है तब उन्हें वापस ले आया गया है कोलकाता में और अब वो बीमार पड़े हुए हैं, बेड पर गिरे हुए हैं और अब उनको माइंड में ऐसा लग रहा है कि उनका ब्रेन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और उनके लिए कोई उम्मीद और आस नहीं बची है। तभी उनका नौकर वो आकर बोलता है कि आपके लिए एक लेटर आया है। तो उस लेटर में लिखा हुआ रहता है विपिन चौधरी का नाम और नाम के ऊपर लिखा रहता है इट इज़ अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। अर्जेंट मतलब ये बहुत ही अभी तत्काल में आपको पढ़नी चाहिए और कॉन्फिडेंशियल मतलब सीक्रेट है। तो इस लेटर को के ऊपर ये देखते ही विपिन चौधरी उसे खोलते हैं और पढ़ने लगते हैं। उसमें लिखा होता है विपिन चौधरी, मुझे नहीं यकीन था कि समय के साथ आप इस प्रकार बदल जाएंगे। आपके पास सब कुछ है, पैसा है, जॉब है, तो आप अपने फ्रेंड की हेल्प नहीं करते हैं। तो आपका कोई ओल्ड फ्रेंड है जिसके पास पैसा ना हो, जॉब नहीं हो, तो आपको एक हेल्प करनी चाहिए। तो आपका मेमोरी बिल्कुल सही है, ये बस मैंने एक आपके साथ मजाक किया था, एक तरह का मेरी तरफ से ये पनिशमेंट था क्योंकि आप मेरी हेल्प कभी नहीं करते थे, तो आपको मैं परेशान करना चाहता था। तो आपकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल सही है एंड दिस लेटर वॉज रिटन बाई, कोई और नहीं था वो चुन्नीलाल थे। तो चुन्नीलाल का कभी विपिन चौधरी ने हेल्प नहीं किया था, इसलिए चुन्नीलाल ने ऐसा परेशान किया उनको बदला लेने के लिए, एक सबक सिखाने के लिए। तो इस लेटर को पढ़ने के बाद विपिन चौधरी गुस्सा नहीं करते हैं और वो रियलाइज़ करते हैं कि हाँ चुन्नीलाल का भी कहना सही है कि मैंने कभी उसकी हेल्प नहीं की। और तब तक डॉक्टर चंदा आ जाते हैं उनकी हेल्प करने के लिए, तबीयत को देखने के लिए, और वो बोलते हैं कि नहीं नहीं मेरी मेमोरी बिल्कुल ठीक है, बस मेरे बॉडी में थोड़ा हिप के पास थोड़ा पेन है, दर्द है, बस मुझे एक पेन किलर चाहिए। दिस स्टोरी इज रिटन बाय सत्यजीत रे। सो आई होप आप सबको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो। सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको और कौन कौन सी वीडियोज़ देखने हैं, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।